आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम लखनऊ की मशहूर नवाबी पनीर सब्जी बनाने जा रहे हैं। आप देखते हैं वो कैसे बनती है। अब हमने पैन रख दिया है और इसके अंदर हम एक बड़ा चम्मच ऑयल डालते हैं। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं और अब हम छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी तीनों को डाल देते हैं और इनको अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब हमारा जीरा और तीन कटी जो प्याज रखी थी वो डाल रहे हैं। अब धीरे धीरे हम उनको भी भून लेंगे। अब हम इसमें साबुत हरी मिर्च और अदरक भी ऐड कर देते हैं। अब साथ में हम एक चौथाई का काजू भी ऐड करते हैं। अब हम इसको जब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम दो चम्मच खरबूजे के बीज भी ऐड कर देते हैं। अभी भी इसको हमें थोड़ा ब्राउन और करना है। अब हमारा ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं क्योंकि हमारे काजू कितनी है आसानी है। अब ये लगभग हमारा हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब ये हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। अब हमारा पेस्ट तैयार है, अब हम इसको पैन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम इसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे और एक ही चम्मच हम इसके अंदर बटर डालेंगे। आंच धीमी रखेंगे जिससे हमारा बटर जल ना जाए। अब इस ग्रेवी को हम पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें इसको तुरंत चलाना है जिससे हमारी ग्रेवी जल ना जाए। अब इसको चलाते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम एक चम्मच दही ऐड करेंगे। दही को हमें तुरंत चलाना है जिससे हमारी दही फट ना जाए। अब इसमें अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम 2 या 3 चम्मच मलाई ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमने पहले भी कर रखा है, तो स्वाद अनुसार अपना नमक ऐड करें। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच काली मिर्च और स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच गरम मसाला। पनीर के अंदर हम लाल मिर्च का यूज नहीं करते हैं क्योंकि नवाबी पनीर सफ़ेद ही होता है। इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करते हैं। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब लगभग हमारी ग्रेवी तैयार है, अब इसके अंदर हम पनीर ऐड करेंगे। हम इसके अंदर 200 ग्राम पनीर यूज कर रहे हैं। अब हम सब्जी को 5 मिनट के लिए ढक देते हैं जिससे पनीर में हमारे मसालों का टेस्ट आ जाए। अब लगभग हमारी सब्जी तैयार है, अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये है हमारी नवाबी पनीर की सब्जी तैयार, जो आपको रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देगी। यदि आपको मेरी सब्जी पसंद आए तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, मुझे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद। आगे मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।